नमस्कार बच्चों, राज्य स्तरीय ऑनलाइन कक्षा उच्च प्राथमिक स्तर पढ़े द्वार द्वार के अंदर आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता शर्मा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसदा, अभनपुर, जिला रायपुर से। तो बच्चों, सातवीं क्लास में विज्ञान विषय में आज हम पढ़ेंगे पाठ 10, सजीवों में श्वसन। पाठ 9 में हमने पढ़ा बच्चों कि सजीवों में पोषण। पोषण के बाद हम आते हैं सजीवों में श्वसन। बच्चों, जब हमको कोई चीज़ यानी कोई सुगंध या कोई गंध हमको जब अच्छी नहीं लगती तो हम क्या करते हैं, अपनी नाक को बंद कर लेते हैं या श्वास को रोक देते हैं। आप कितनी देर तक श्वास को रोक सकते हैं? बहुत देर तक आप श्वास को नहीं रोक सकते। वैसे ही जब ट्रक या ट्रैक्टर का धुआं छोड़ता है तो हम अपनी नाक को बंद करते हैं। क्यों बंद करते हैं या श्वास को क्यों रोकते हैं? क्योंकि धुएँ से हमारा दम घुटता है और इस कारण हम श्वास के साथ नाक से धुएं को अंदर नहीं जाने देते, जाने से रोकते हैं। परंतु हम अधिक देर तक अपनी श्वास को नहीं रोक सकते। तो हम श्वास के द्वारा क्या ग्रहण करते हैं और कैसे ग्रहण करते हैं, आइए हम इस पाठ में पढ़ें। तो बच्चों, हम नाक के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अब नाक की आकृति कैसी है कि नाक एक गुफा की जैसी है और नाक की गुहा यानी गुफा एक पट्टी द्वारा दो भागों में बांट दी जाती है और प्रत्येक भाग में क्या होता है, एक छिद्र होता है, नासिक, जिसे हम नासिका छिद्र कहते हैं। और आप ये सब जानते हैं, आपने बचपन में हमेशा अपने नाक में हाथ डाला होगा, आपने देखा होगा कि नासिका गुहा यानी नाक में श्लेष्मा यानी कि नाक यानी कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है और छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं। इनका होने का भी एक कारण है। ये क्या करते हैं, हमारे नाक के द्वारा हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को और धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। ये श्लेष्मा क्या करता है, उन सूक्ष्म जीवों और धूल के कणों को नाक यानी चिपका लेता है अपने आप में और ये बाल एक जाल बनाते हैं जिससे कि वह सूक्ष्म जीव और धूल के कण हमारे नाक के अंदर से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। ऑक्सीजन युक्त वायु यानी कि हम जब सांस में क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन युक्त वायु नासिका गुहा से होते हुए श्वास नली में आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम श्वास क्रिया में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। सब दूसरी और आगे जाकर ये ऑक्सीजन युक्त वायु क्या करती है, श्वास नली के दो बटे हुए भागों से होते हुए कहाँ जाती है, श्वसनी नली में जाती है। आप चित्र में देख रहे होंगे, नासा छिद्र से यानी हम सांस ले रहे हैं, वहां से ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर जा रही है और लाल कलर की, पिंक कलर की आपको श्वास नली दिख रही है। तो क्या होता है, फेफड़े एक गुहा में स्थित होते हैं। हमारा जो श्वास लेने का मुख्य भाग है वो है फेफड़े। तो नासा छिद्र से श्वास नली से होते हुए ऑक्सीजन युक्त वायु श्वसनी से होते हुए हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। और फेफड़ा कैसे एक गुफा में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। अब आप चित्र में देख रहे होंगे कि फेफड़ों में अनेक कोष पाए जाते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता आपने हर एक बच्चे ने देखा होगा। तो मधुमक्खी का छत्ता जिस तरह से होता है, उसी तरह से फेफड़े में अनेक कोष पाए जाते हैं जिन्हें वायु कोष कहते हैं। वायु कोष का अंतर हम आगे जाके समझेंगे उसका मतलब क्या है। और इनकी दीवारें, जो वायु कोषों की दीवारें होती है, वो इतनी पतली झिल्ली से बनी होती है और जिसमें कि पतली पतली रक्त वाहिनी आपको दिख रही होगी होती है, और श्वसनी के अंतिम सिरे इन्हीं वायु कोशों में खुलते हैं। इसका कारण ये है कि जो ऑक्सीजन युक्त वायु है वो हमारे नाक से होते हुए, श्वसनी से होते हुए फेफड़ों में पहुंचती है, जो वहाँ पे वायु कोश हैं उसके अंदर में ये ऑक्सीजन जा करके किस में मिल जाती है, रक्त में मिल जाती है। तो फेफड़ों के नीचे में एक मांसल पट पाया जाता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। चित्र में आपको सब दिख रहा होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हम इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। चित्र में देख रहे होंगे कि एक बच्ची एक बच्चे का छाती का माप ले रही है। तो इसके लिए, इस क्रियाकलाप के हमें आवश्यकता होगी मापक फीता। मापक फीता क्या होता है, जो टेलर नापता है ना वो है तो ठीक है, नहीं तो सुतली से भी काम चलेगा। इसे हम कैसे करेंगे कि मापक फीते या सुतली से अपने साथी के सीने को माप लें। फीते या सुतली के छोरों को हमको ढीला पकड़ेंगे। ढीला इसलिए पकड़ेंगे कि अब अपने साथी को कहें कि गहरी सांस ले, और गहरी सांस लेने पर हम उसका फिर से नाप लेंगे कि क्या अंतर पाया गया, यानी सांस लेने के पहले और सांस लेने के बाद में क्या अंतर किया,
इसे हम निष्कर्ष में जानेंगे कि हमें यह समझ में आता है इस प्रयोग के द्वारा कि जब हम श्वास लेते हैं तब हमारा वक्ष ऊपर उठता है ना। सा क्योंकि वायु अंदर जा रही है तो हमारा वक्ष ऊपर उठता है, और जो डायफ्राम आप अपन ने चित्र में देखे थे वो क्या होता है, नीचे होता है, और फेफड़े फैल जाते हैं। फेफड़े इसलिए फैल जाते हैं कि वायु अंदर आई है, फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है तथा ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में पहुंचती है, और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो वक्ष क्या होता है, नीचे आता है और डायफ्राम ऊपर उठता है। फेफड़ों में वायु का दाब बढ़ जाता है और फेफड़े सिकुड़ते हैं जिससे कि फेफड़ों में भरी वायु बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकलने वाली वायु होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम अंदर लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन। तो बच्चों इस प्रयोग से हमने ये जाना कि किस तरह का हमारे शरीर में क्रियाकलाप होती है, किस तरह की क्रिया होती है जब हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि श्वास का लेना और छोड़ना ये श्वास की क्रिया कहलाती है, यानी इसे हम श्वास लेना भी कह सकते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों के वायु कोशों में पहुंचती हैं तब रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि छोटे छोटे बहुत सारी जो नलिकाएं वहाँ पे वायु कोशों के अंदर में रहती है, तो जब ये ऑक्सीजन पहुँचती है तो वहाँ पर रक्त रहता है, उस रक्त में वो ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है ना। तो जब रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है तथा पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुँचा दी जाती है। आपका कोई ऐसा भी अंग, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं होगा जहाँ पर रक्त नहीं है। तो ये रक्त क्या करते हैं, हमारे नाक से ली हुई ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक, फेफड़ा इसमें मेन रोल प्ले करता है, यानी फेफड़े से हमारे सबसे पहले हमारी ऑक्सीजन नाक के फेफड़ों में पहुंचती है, और वहाँ पर हमने इसके पहले के पाठों में पढ़ा भी है कि सिराएं और धमनी यही काम करती है। सिराएं हमारे शरीर के समस्त अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुँचाने का काम करती हैं, और धमनी अनऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े तक लाने का काम करती है। फेफड़ा यहाँ दोनों का काम कर रहा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बनाने का भी, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त से यानी रक्त से वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालने का भी काम कर रहा है। तो श्वास की क्रिया यानी सांस का लेना और छोड़ना श्वास क्रिया या श्वास क्रिया कहलाती है। जब ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों के वायु कोशों में पहुंचती है तब रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है तथा पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुँचा दी जाती है। तो कोशिकाओं में पहुँच कर ये ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या करता है, शर्करा से क्रिया करता है। शर्करा यानी ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये सब एक दूसरे का मिला जुला रूप, तो शर्करा से क्रिया करता है जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जलवाष्प बनती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कहने का मतलब हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मेन रोल भी यहाँ पर ही प्ले किया जाता है कि ऑक्सीजन द्वारा है ना, जब पूरे समस्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचा दिया जाता है तो वहां पर पहुँच कर ऑक्सीजन शर्करा से क्रिया करती है जिसके फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस ऊर्जा को हम हमारे समस्त क्रियाकलाप में यूज करते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे बच्चों कि फेफड़े तक पहुँचना यानी आना और जाना दोनों आपको एरोक्री से समझाया जा रहा है कि किस तरह से पहले हमारे शरीर में ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं, दोनों इस चित्र के माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि डायफ्राम कब ऊंचा हो रहा है और कब नीचा हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कोशिकीय श्वसन क्या होता है बच्चों, कि श्वसन के दौरान ऊर्जा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही ऑक्सीजन शर्करा से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प पर ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो श्वसन के दौरान ऊर्जा अनेक रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, एक ही क्रिया नहीं होती, बहुत सी रासायनिक क्रिया हमारे शरीर की कोशिकाओं में होते रहती है। तो इन जो क्रियाओं को गति देने का काम करते हैं एंजाइम। इसके पहले के पाठों में हमने पढ़ा है कि एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रिया होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो ये रासायनिक क्रियाएँ सभी जीवों की कोशिकाओं में संपन्न होती है, यानी बच्चों कहने का मतलब कि जो भी जीव सांस ले रहा है वो कोशिका का बना हुआ है ना। तो ये कोशिका जिसके अंदर में है उसके अंदर ये समस्त रासायनिक क्रियाएं होगी, तो ये रासायनिक क्रियाएं सभी जीवों की कोशिकाओं में संपन्न होती है, बल्कि रूप अलग हो सकते हैं, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं।
तो कोशिकीय श्वसन बैक्टीरिया से ले मनुष्य तक के सभी में संपन्न होता है। तो जो कोशिकाओं में श्वसन होता है इन्हें कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसे कि अन्य जंतुओं में श्वसन। इसके पहले हमने मानव श्वसन पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन। इस पृथ्वी में समस्त अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न हैं, तो उनके उनमें श्वसन कैसे होता है। तो बच्चों, गाय, भैंस, सांप, छिपकली, पक्षी आदि का श्वसन अंग मुख्य है फेफड़ा। यानी इनमें जो श्वसन होता है वो फेफड़ा उसमें मेन रोल प्ले करता है, उनका मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। तो उसी तरह जलचर, यानी उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मछली के विषय में कि मछली गलफड़ों से श्वसन करती है। चित्र में आप दिखा रहे हैं, आपको लाल रंग का दिखा रहा है गलफड़ा, है ना। तो उसमें किस तरह से श्वसन होता है इसको हम देखते हैं कि मछली क्या करती है। आपने देखा होगा जिसके घर में एक्वेरियम होगा कि बार बार मछली मुंह खोलती है, तो मछली बार बार मुंह खोलती है और बंद करती है। तो इसके मुंह के दोनों ओर ढक्कन जैसे चित्र होता है, ढक्कन होता है, इन ढक्कनों के भीतर लाल रंग के गलफड़े होते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में। ये मछली का मुख्य श्वसन अंग। मुंह के भीतर पानी आता है, जैसे ही मछली मुंह खोलती है तो मुंह के भीतर आया पानी इनसे होता हुआ बाहर जाता है। यानी मुंह के अंदर जैसे ही उसने मछली ने मुंह खोला, पानी अंदर गया, और जब वो आते हुए वापस बाहर जाता है तब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड पानी में छोड़ दी जाती है। तो इस तरह से मछली श्वसन करती है। कैसे करती है कि मछली बार बार जब मुंह खोलती है तो पानी अंदर आता है, पानी में जैसे ही अंदर आता है और पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है वो रक्त में मिल जाती है, और जैसे और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी में छोड़ दी जाती है। इस तरह मछली यानी जलचर जीव जिनके गलफड़े होते हैं वो श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। अब हम आगे आते हैं कि मच्छर, तिलचट्टा, तितली आदि के शरीर में श्वसन नलियों का जाल फैला रहता है, जिसे ट्रकिया भी कहते हैं इंग्लिश में। तो मच्छर, तिलचट्टा, तितली आदि के शरीर में क्या होता है, श्वसन नलियों का जाल फैला रहता है जो शरीर के बाहर छोटे छोटे छिद्रों द्वारा खुलती है। तो इन्हीं की सहायता से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अब हम आगे आते हैं जलीय जंतु। अभी हमने पहले पढ़ा मछली के विषय में, अब हम पढ़ते हैं जलीय जंतु अमीबा, हाइड्रा। इसे भी हमने पहले पार्ट में पढ़ा है कि अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, और हाइड्रा में क्या होते हैं, स्पर्शिकाएं बाहर निकली हुई होती हैं। तो जलीय जंतु अमीबा, हाइड्रा शरीर की सतह द्वारा जल में घुली हुई ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी ये शरीर की सतह से, स्किन से सांस लेते हैं। अब हम आते हैं केंचुआ। आपने जब बारिश के दिनों में देखा होगा, जब हम मिट्टी को खोदते हैं तो उसके अंदर में बहुत सारे गिंगरवा, यानी जिसे हम छत्तीसगढ़ी भाषा में कहते हैं और विज्ञान की भाषा में केंचुआ कहते हैं, केंचुआ निकलते हैं ना। तो केंचुआ गीली मिट्टी में रहता है और इसके कोई अलग से श्वसन अंग नहीं होता, पर इसकी जो त्वचा होती है वो इतनी पतली और गीली और छिद्रों वाली होती है जिससे कि अपनी श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं। इसी तरह से जोंक भी अपनी त्वचा से श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। मेंढक, जिसे हम उभयचर, मेंढक और मगर को हम उभयचर जीव कहते हैं क्योंकि ये जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो मेंढक क्या करता है, जब सुप्तावस्था में बारिश के दिनों में वो बाहर आता है और बाकी के समय में ये सुप्तावस्था में चल जाते हैं, जमीन के भीतर चल जाते हैं। तो जब मेंढक जमीन के भीतर होता है तो ये जो अपनी श्वसन क्रिया को किससे संपन्न करता है, त्वचा से। परंतु जब मेंढक भूमि पर रहता है तब यह फेफड़ों द्वारा अपनी श्वसन क्रिया को संपन्न करता है। अभी हमने जीवों में श्वसन पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं पौधों में श्वसन। सभी पौधे जंतुओं की तरह ही श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। आप जीवों के अंतर्गत जो श्वसन है, जैसे कहने का मतलब जो भी ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन यानी कर छोड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, श्वसन क्रिया संपन्न कर रहा है, वो जीवित है। तो उसी तरह पौधे भी क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो पौधों की जो पत्तियाँ हैं उसमें असंख्य छोटे छोटे बच्चों छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम विज्ञान की भाषा में रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है।
यानी ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। और बच्चों पत्तियाँ ही पौधों के लिए भोजन भी बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बनाने में भी प्रयोग करती हैं। जैसे हमने इसके पहले सजीवों में पोषण में पढ़ा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अन्य पदार्थों से क्या सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं, इसमें भोजन बनाते हैं और पत्तियाँ ही मेन भोजन बनाने का कार्य करती हैं। और यहाँ पर अब हम इसके लिए ये भी पढ़ रहे हैं कि पौधों की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, इन रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या चलता है, आदान प्रदान होता है। जलवाष्प भी इसी रंध्र के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। और वृक्षों के जो मोटे तने होते हैं जिनमें छाल भी होती है, इनमें भी रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें हम वात रंध्र कहते हैं। और ये पौधे के जो मोटे तने और छाल हैं इन्हीं वात रंध्रों से श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं, आपको चित्र में दिख रहा होगा बच्चों। अब हम आगे आते हैं बच्चों कि इस सजीवों में श्वसन में इस पाठ के अंदर में हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा बच्चों कि सजीव में श्वसन क्रिया होती है। मैंने ये भी बताया कि जो भी जीव जीवित है, जो बढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे भी इसके अंतर्गत आते हैं, कि सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है यानी वो जीवित है। दूसरा कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प शरीर से बाहर निकाली जाती है या बाहर छोड़ी जाती है। और श्वसन क्रिया में कोशिका में उपस्थित पचित भोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना कि ऑक्सीजन शर्करा से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा शरीर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। अगर यह सब रासायनिक क्रिया हमारे शरीर के अंदर में नहीं होगी तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। जैसे कि हम उपवास, जिस दिन उपवास कर लेते हैं या हम 2-3 दिन अगर भोजन नहीं करें तो हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में भोजन नहीं गया, भोजन नहीं गया तो उसमें पचन नहीं हुआ, पचन नहीं हुआ तो ऑक्सीजन से उसमें क्रिया नहीं होकर के ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती और व्यक्ति शिथिल हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो ऊर्जा शरीर को कार्य करने की क्या करती है बच्चों, क्षमता प्रदान करती है। और हमने ये भी पढ़ा कि गलफड़े द्वारा कौन सा श्वसन क्रिया करते हैं, मछली। श्वसन नलिकाओं द्वारा तिलचट्टा और फेफड़े द्वारा गाय आदि यानी मनुष्य जंतु क्या करते हैं श्वसन, ये गलफड़े, श्वसन नलिकाएं, फेफड़े आदि क्रमशः क्या है, मछली, तिलचट्टा तथा गाय आदि के आदि जंतुओं के श्वसन अंग। नासा द्वार श्वास नलिका श्वसनी फेफड़े मनुष्य के श्वसन अंग, यानी मनुष्य के श्वसन अंग कौन कौन से हैं, नासा द्वार श्वास नलिका श्वसनी फेफड़े मनुष्य के श्वसन अंग। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। जैसे मैंने आपको समझाया ना कि रक्त ही हमारे शरीर में, कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहाँ पे रक्त नहीं है, जहाँ भी कहीं हमको कटता है तो तुरंत ही रक्त बाहर आता है। यानी हमारे शरीर को पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। रंध्र तथा वात रंध्र पौधे के श्वसन अंग है, यानी पौधों में जो श्वसन अंग है, हमने पढ़ा कि पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, पत्तियों के जो निचले भाग है उसमें असंख्य रंध्र पाए जाते हैं। तो ये जो रंध्र और जो ये पत्तियों में और वात रंध्र किस में पाए जाते हैं, पेड़ों के तने और छालों में। तो रंध्र तथा वात रंध्र पौधे के श्वसन अंग, रंध्र पत्तियों पर तथा वात रंध्र तनों पर होते हैं। तो बच्चों आज हमने इस पाठ में यह सब पढ़ा। अब हम आते हैं कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि मछली के श्वसन अंग क्या है, कौन सा है, यानी मछली का श्वसन अंग खाली स्थान। तो बताओ मछली का श्वसन अंग क्या है, गलफड़े। तिलचट्टा में खाली स्थान का जाल पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चों, तिलचट्टा में श्वास नलियों का जाल पाया जाता है। पत्तियों पर खाली स्थान पाए जाते हैं, हमने अभी पढ़ा कि पत्तियां पेड़ों के लिए भोजन भी बनाती हैं और पत्तियां श्वास भी लेती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि जो हमारे अत्यधिक वाहन हम जो चलाते हैं रोड पर और रोड के आजू बाजू जो बहुत सारे पेड़ होते हैं वो क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, वो इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं कि पत्तियों पर बहुत सारी धूल पड़ जाती है। इतनी धूल पड़ जाती है कि
पत्तियां श्वास नहीं ले पाती, इसलिए कई पेड़ सूख भी जाते हैं और कई पेड़ बढ़ नहीं पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि पत्तियों पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं। श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग खालिस्तान। मैंने बार बार इस पर जोर दिया है कि श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा। क्या होता है? हम नाक से श्वास लेते हैं, वो श्वास नली से होते हुए हाँ हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। तो श्वास लेना तथा छोड़ना, यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहलाता है। नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। हमने पढ़ा ना अभी कि बारिश के दिनों में जब हम कहीं भी मिट्टी खोदते हैं तो बहुत सारे केंचुए निकलते हैं, जोंक निकलती है। तो नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं केंचुए, जोंक और उभयचर जीव मेंढक। वृक्षों के मोटे तने श्वसन खालिस्तान द्वारा करते हैं। देखो बच्चों, वृक्षों की पत्तियों पे रंध्र पाए जाते हैं और वृक्षों के मोटे तने पे क्या पाए जाते हैं? वात रंध्र पाए जाते हैं, इसके द्वारा वे श्वसन करते हैं। फेफड़ों के अंदर श्वसनी की अंतिम शाखाएं खालिस्तान में खुलती हैं। कहाँ खुलती है बच्चों? वायुकोश में। मैंने हमने पढ़ा कि फेफड़ा एक गुफा में स्थित होता है, वहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी क्या होती है, बहुत छोटी छोटी सी नलियाँ जाती हैं। तो फेफड़ों के अंदर श्वसनी की अंतिम शाखाएं कहाँ पे खुलती हैं? वायु कोशों में खुलते हैं। अब हम आगे आते हैं बच्चों, आपको इनके श्वसन अंगों के नाम बताने हैं। तो बच्चों, मच्छर का श्वसन अंग क्या है? जिसे हमने कहा था ट्रकिया, इंग्लिश में ट्रकिया कहते हैं, नलिकाओं द्वारा, है ना। छिपकली फेफड़ों के द्वारा सांस लेती है, पर हाँ, उसके जो फेफड़े हैं उसकी जो जीभ होती है उसमें नाक छुपी होती है ना, जीभ उसके नाक का काम करती है, इसलिए छिपकली बार बार अपनी जीभ बाहर निकालती है। तो छिपकली, वैसे तो फेफड़ा उसका प्रमुख अंग है, श्वसन अंग, परंतु जीभ उसकी नाक के जैसी होती है, यानी नाक का कार्य करती है। केचुआ नम त्वचा के द्वारा सांस लेता है। गाय फेफड़े से श्वास, उसका गाय का प्रमुख श्वसन अंग है फेफड़ा। और मछली का अपन ने पूरी प्रोसेस पढ़ी है कि मछली किस तरह से बार बार अपना मुंह खोलती है और बंद करती है। जब मुंह खोलती है तब पानी अंदर जाता है, तो पानी अंदर जाता है तो पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को उसके खून में मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है जो कि पानी के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। परंतु उसका मुख्य श्वसन अंग है ये गलफड़े। अब हम आते हैं बच्चों गृह कार्य। आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, जो कि आपको किताब में दिया गया है। दूसरा, एक कोशिकीय जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है? बच्चों, एक कोशिकीय जीव है अमीबा, और ये अपना जो श्वसन क्रिया करते हैं वो त्वचा के द्वारा करते हैं। तीसरा प्रश्न है, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा कि पत्तियों का श्वसन, पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और इन्हीं रंध्रों के द्वारा वो श्वसन का कार्य करते हैं और गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का कार्य पत्तियाँ इन्हीं रंध्र के द्वारा करती है। और पेड़ों के तने में और उनकी छालों में वात रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस तरह बच्चों, आज हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।